एवरीबॉडी मैं हूं प्रिया एंड वेलकम टू माय न्यू सीरीज व्हाट्सअप विद लॉ जिसमें हम देश और दुनिया में होने वाले इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स को बहुत ही सरल सुंदर और आसान भाषा में आपको समझाते हैं ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए ताकि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके और समझ कर आगे समझा भी सके तो अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट लीगल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तो चलिए महीने भर की, को इस एक वीडियो से समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो मेंबर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी इश्यूज और कंसर्न को एड्रेस करते हैं दूसरा दिल्ली में इनोग्रेट हुआ है आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के पीछे पहला इंडिया की लीगल जर्नी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है दूसरा ये इंडिया के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि एफडीआई के लिए स्ट्रॉन्ग आर्बिट्रेशन बॉडी का होना बहुत जरूरी होता है एक एग्जाम्पल समझते हैं मानिए कि आप एक फॉरन कंपनी है जो इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है आप बहुत सारे इंडियन सप्लायर्स के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसे फेयरली और बिना टाइम लिए हुए सॉल्व हो जाएगा जो कि कोर्ट का फ्लो होता है कि कोर्ट केसेस में बहुत टाइम लग जाता है तो अगर फॉरेन कंपनीज के पास ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ फेयरली और बिना टाइम लिए उनके डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे तो इंडिया में इन्वेस्ट करने का उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये उसके लिए भी अच्छा है तीसरा लॉ स्टूडेंट्स हो जाओ सावधान क्योंकि आ रहे हैं नए प्रावधान तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें जो गाइडलाइंस दी गई है वो हर लॉ कॉलेज को मैंडेटरीली फॉलो करनी होगी वो क्या क्या है सबसे पहले जो थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज आए जो पुराने क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करते हैं वो पढ़ना होगा दूसरा मीडिएशन एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा तीसरा subjects जैसे कि अब ये भी curriculum में introduce होगा और चौथा ने mandate दिया है bilingual education का मतलब अब हर loss को English के साथ साथ हिंदी या regional language में भी पढ़ाना होगा और ये जो सारी चीजें हैं ना ये अभी से इफेक्टिव होंगी वैसे हर महीने अलग अलग टॉपिक न्यूज में रहते हैं तो अगर आप किसी ऐसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें लीगल करंट अफेयर्स या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स काफी अच्छा वेटेज रखते हैं तो आप इन दो चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप क्लैट एलेट जैसी एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लैट पीजी के फुल फ्लेजेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हम हर महीने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट वीडियोस बनाते हैं ताकि आप टॉपिक को पूरी तरीके से समझ पाए फॉर एग्जाम्पल इस महीने क्या क्या टॉपिक फोकस पर रहने वाले हैं इलेक्शन रिजर्वेशन डिफेक्शन और थ्री न्यू क्रिमिनल लॉस तो हम इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे इन पे वीडियोस बनाएंगे लाइव कंडक्ट करेंगे और स्पेशलाइज मॉक कंडक्ट करेंगे ताकि आप इन सारे टॉपिक्स को बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सब कुछ एकदम अच्छे से समझ सको और हर दिन आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सको इसके लिए हर दिन हम किसी टॉपिक पर या किसी केस लॉस पर डेली पोल्स भी कंडक्ट करते हैं ताकि आप हर दिन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सको तो अगर आप भी अपनी एग्जाम को बेटर गाइडेंस के थ्रू और बेटर स्ट्रैटेजी से क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेरे क्लैट के फुल कोर्स को चेकआउट करिएगा जिसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी दूसरा अब ये तो आपको पता होगा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट कर लिया पर इलेक्शन देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरइम बेल पर रिलीज कर दिया है अब ये बेल क्या होता है ये तो आपको पता होगा ये इंटरम बेल क्या होता है चलिए समझते हैं तो इम बेल एक तरीके की कंडीशनल बेल होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दी जाती है तो ये एक तरीके की रिलीज होती है पर क्या इलेक्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को इंटर बेल दे सकती थी तो बेल ऑर्डर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक तो इलेक्शंस चल रहे हैं जो कि पांच साल में एक बार होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हुई दूसरा ये जो केस चल रहा है ना ये दिल्ली के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का चल रहा है किसी हैबिटल ऑफेंडर का नहीं और ये किसी और केस में इन्वॉल्व भी नहीं है तो अगर अरेस्ट करना था तो बहुत टाइम था कुछ दिन से फर्क नहीं पड़ेगा पर बेल की की कुछ भी सेट की। जैसे अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस या दिल्ली सेक्रेटेरिएट विजिट नहीं कर सकते और लिकर पॉलिसी केस या उनके अरेस्ट पर कोई कमेंट नहीं कर सकते वो केस से रिलेटेड कोई भी विटनेस से बात नहीं कर सकते और केस से रिलेटेड कोई भी फाइल एक्सेस नहीं कर सकते और वो किसी भी ऑफिशियल फाइल को साइन नहीं कर सकते अनलेस वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लिए नेसेसरी हो तो इस पूरे महीने एक ऐसा सवाल जो पूरा देश पूछ रहा था वो ये कि क्या एक माइनर को एज एन अडल्ट

ट्राई और पनिश किया जा सकता है अभी कैसे देखा जाता है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उस माइनर के ऊपर एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करती है जिसमें उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी क्राइम करने के बाद की कॉन्सिक्वेंस क्राइम करने से पहले के सर्कमस्टांसेस ये सारी चीजें असेस की जाती है अगर असेसमेंट के बाद जस्टिस बोर्ड ये पाती है कि हाँ उस माइनर को एज एन अडल्ट ट्राई और पनिश किया जा सकता है तो फिर उसे चिल्ड्रंस जेल भेजा जाता है जिसमें अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो अपनी सजा कंप्लीट करने के लिए उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा जाता है क्योंकि वो माइनर है और जैसे वो 21 साल का हो जाता है तो बाकी की बची हुई सज़ा कंप्लीट करने के लिए उसे जेल भेजा जाता है अब हमारे इस केस में प्रॉब्लम ये है कि जो ड्राइवर है ये एक माइनर है और दूसरा इसे बुक किया गया है सेक्शन 304 ए डेथ बाय नेग्लिजेंस के अंदर जिसकी मैक्सिमम सज़ा है दो साल की जेल और ये एक सीरियस क्राइम नहीं है

तो क्या आप उसके अगेंस्ट डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस फाइल कर सकते हो क्या यही क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रेजेंट केस में पर इससे पहले हम 2007 के इस केस की बात करते हैं जिसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था और नेशनल कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल कमीशन ने ये कहा कि जब भी एक एडवोकेट अपने क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट जाता है केस फाइल करता है आर्ग्यूमेंट करता है तमाम चीजें करता है तो इन सारी चीजों को हम सर्विसेज कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पर इस प्रेजेंट केस ने दो के इस केस को ओवर रूल करते हुए ये कहा कि एक एडवोकेट डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लायबल नहीं होगा इस प्रेजेंट केस ने प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन के बीच में डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया और यह कहा कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को सिमिलरली ट्रीट नहीं कर सकते इसके साथ ही जो प्रेजेंट बेंच है जिसने जजमेंट दिया

क्योंकि लीगल प्रोफेशन में ना कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं होता है कि सारी चीजों का को कोई इस हिसाब से करना ये एग्जिस्ट नहीं करता पर मेडिकल प्रोफेशन में करता है अब मैक्सिमम केसेस क्यों फाइल किए जाते हैं क्योंकि कोई स्पंज भूल जाता है तो कोई सिजर भूल जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर तो मेडिकल प्रोफेशन में एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ऑफ केयर एग्जिस्ट करता है कि किस चीज़ का को कोई किस हिसाब से करना चाहिए इसलिए मेडिकल प्रोफेशन में मुझे नहीं लगता कि हमें लीगल प्रोफेशनल जैसा जजमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए पर इस पर आपकी क्या राय बताना जरा नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ने ईडी की अरेस्टिंग पावर को रिड्यूस किया है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि अगर ईडी को किसी भी इंसान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर अरेस्ट करना है तो वो तभी कर सकती है अगर उसका केस कोर्ट में नहीं चल रहा हो मान लो कि केस अगर कोर्ट में चल रहा है और फिर भी ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसे अरेस्ट करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी होगी कोर्ट से इस केस के लिए रेलेवेंट है पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 19 जो ईडी को यह पावर देता है कि वो किसी भी इंसान को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट कर सकता है बस अक्यूज को रीजन बताना होता है ईडी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट की इकलौती फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में नेताओं और ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उन पर केस चलाने के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है ईडी रेड भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है पीएमएलए जिसे ईडी का ट्रम्प कार्ड भी कहते हैं इस एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के सामने दिए गए स्टेटमेंट को कोर्ट एज एन एविडेंस मानती है बल्कि बाकी सारे लॉज के अंदर ऐसे दिए गए स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है वैसे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ-साथ हवाला ट्रांजैक्शन यूज अमाउंट पे फॉरेन मनी का पोजेशन और फॉरेन एक्सचेंज वॉयेशन केस को भी इन्वेस्टिगेट करती है नेक्स्ट इस केस में पूछा गया कि अगर किसी शादी में सात फेरे नहीं लिए गए तो फिर क्या वो हिंदू मैरिज वैलिड होगी या नहीं तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि हिंदू मैरिज तभी वैलिड होगी अगर अप्रोप्रिएट रिचुअल्स और सेरेमनीज जैसे कि सप्तपदी फॉलो किए गए हैं और इन सब का भी प्रूफ होना चाहिए डिस्प्यूट के केस में इस केस के लिए रेलेवेंट है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन सेवन जो हिंदू मैरिज सेरेमनीज़ की बात करते हैं जैसे कस्टमरी रिचुअल्स दोनों पार्टीज़ के हिसाब से जो भी कस्टमरी राइट्स है सेरेमनीज़ है वो फॉलो होनी चाहिए और दूसरा है सप्तपदी जिसमें लड़का लड़की मिलकर सात कदम लेते हैं और सातवां कदम लेते साथ शादी पूरी हो जाती है इस केस में ये कहा गया कि अगर किसी भी शादी में अप्रोप्रिएट रिचुअल्स और सेरेमनीज नहीं फॉलो किए गए जो कि सेक्शन सेवन में रिकॉग्नाइज है तो फिर उसे लीगली हिंदू मैरिज रिकोग्नाइज नहीं किया जाएगा भले ही कोई एंटिटी उसे मैरिज सर्टिफिकेट दे दे पर मैरिटल स्टेटस भी वैलिड नहीं होगा और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसे मैरिज भी कंसिडर नहीं किया जाएगा दोस्तों आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने वीडियो पूरा कंप्लीट किया आपने लूज नहीं किया एज अ रिवॉर्ड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये पी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें इस वीडियो की सारी चीज़ें प्लस कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इस पी के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एम भी मिल जाएंगे इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करना अच्छा रिविजन होगा तो ये पी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अगर आप इस साल किसी भी एल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन किसी भी एग्जाम के थ्रू तो आप मेरा क्लैट पीजी का फुल फ्लैज कोर्स ज़रूर चेकआउट करिएगा इस महीने ना हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपडेट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं तो जल्दी से आ जाओ अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इस कोर्स की भी सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैं उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो जो भी सीखा हो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें, डिबेट करें, क्योंकि लीगल प्रोफेशन में डिबेटिंग और डिस्कशन लर्निंग का टॉप सोर्स है दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय